पति ने कुल्हाड़ी मारकर अपनी पत्नी को उतारा मौत के घाट। चरित्र संदेह को लेकर दिया वारदात को अंजाम। शाहपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खैरी नया मोहल्ला वार्ड नंबर 12 में आज सुबह पति ने पत्नी पर सोते समय कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उक्त घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही वह मौके पर पहुंची और प्रारंभिक कार्रवाई के उपरांत शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए आरोपी पति की सरगर्मी से तलाश करने में लगी हुई है। खैरी नया मोहल्ला वार्ड नंबर 12 निवासी 45 वर्षीय रेखा चौधरी का पति कमलेश चौधरी पत्नी पर चरित्र संदेह के वजह से आज सुबह जब रेखा चौधरी अपने कमरे में सो रही थी, इसी दौरान कमलेश चौधरी कुल्हाड़ी लेकर उसके कमरे में पहुंचा और उसके ऊपर दनादन वार कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा महिला को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चियों के सामने दिया घटना को अंजाम। आरोपी कमलेश चौधरी ने उस समय पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर वारदात को अंजाम दिया जब उसकी दो बच्चियां घर पर थी और उसका बेटा मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। पुलिस द्वारा फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी। ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के लिए जबलपुर से शुभम पाटकर की रिपोर्ट। करीब 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला को उसके पति द्वारा मारा गया है, अस्पताल ले जाई गई है। इस सूचना पे अपन अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में महिला मृत अवस्था में थी और उसकी लड़की गोल्डी और एक लड़की उसकी और थी यहाँ, और भी लोग थे। तो लड़की से पूछताछ किए तो लड़की गोल्डी द्वारा बताया गया कि मेरा पिता, मेरी बहन और हम और माँ रेखा चौधरी एक साथ एक कमरे में सोए हुए थे और इसका पिता जो है वो दूसरे कमरे में सोया था। तो इसका पिता करीब 9:15 बजे गाड़ी लेके आया और लगातार माँ के ऊपर गाड़ी से बार किया है और इसे अस्पताल लाए हैं। उसकी मौत हो गई। कहाँ पर? ये नया मोहल्ला खैरी की घटना है। सर आरोपी अब तक पकड़ा ही है? आरोपी के पकड़ने का प्रयास जारी है। धन्यवाद।